वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अरसलान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं पिछले 8 दिन से बाकू के अंदर हूँ। बाकू कैपिटल है अज़रबैजान का। मैं इसके ऊपर एक व्लॉग तो मैंने ऑब्वियसली बनाए हैं, जो 7 दिन जब वापस जाऊँगा तो एडिट करके अपलोड करूँगा। मैंने यहाँ की जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह थी उन सब को जो है वो कवर किया है, डिटेल से कवर किया है। तो अच्छा जी, बाकू आने से पहले मैं एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आना था तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को किसी भी एक वीडियो के अंदर प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया होता। 2-3 वीडियोस थी जिनमें थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था, बट किसी भी एक वीडियो के अंदर प्रॉपरली सारे सवालात को एड्रेस नहीं किया हुआ था। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ आके पता चली, जो मेरे ख्याल से अगर मैं अभी इस वीडियो में बता दूँगा तो आने वाले जो भी लोग होंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि बाकू पाकिस्तानियों के लिए इसका वीज़ा मिलता है 3 वर्किंग डेज़ के अंदर और $26 उसकी फ़ीस है। उसकी कंडीशन है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा कम अज़ कम वैलिड हो तो आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने इनकी वेबसाइट पर लॉग इन करना है वीज़ा वाली पे और वहाँ जाके अपनी वीज़ा अप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। वो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ उसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और उसके बाद आपने जब $26 उसकी फ़ी पे करनी है और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, वीज़ा सबसे पहले आपने वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के बाद आपके पास डेट्स आ जाती हैं कि किस डेट से किस डेट तक ये वीज़ा वैलिड है। तो आपने उस डेट से जिस तक जब भी आपका ट्रैवल का प्लान है तो आपने जो है वो कर लेना है। इसका वीज़ा 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। जब भी आप अज़रबैजान में आएंगे तो आप 30 दिन के लिए यहाँ पर, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप रह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि सबसे पहले आपने वीज़े का इंतज़ाम वीज़ा ले लिया। वीज़े के बाद आपने टिकट करवाना है। टिकट भी आपको मिल जाता है पाकिस्तान से डायरेक्टली, अज़रबैजान एयरलाइंस आती है लाहौर से, मुझे है आइडिया, हफ्ते में एक दफ़ा आती है और कराची से भी आती है। लाहौर से आई थिंक सैटरडे को आती है और फ्राइडे को यहाँ से लाहौर जाती है और कराची से शायद संडे को आती है और यहाँ से संडे को ही वापस जाती है। तो ये आप टिकट्स देख लीजिएगा, शायद इनके स्केड्यूल्स अब अपडेट हो जाएं जब भी आप ये बना रहे होंगे कर रहे होंगे। तो जब मैंने देखा था तो इसका ऐसा स्केड्यूल था। अच्छा, मैं मस्कत से आया हूँ। मैं मस्कत से पहले यूई गया था, यूई से यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से सीधा मस्कत जाऊँगा। तो पाकिस्तान से आने वालों के लिए तो आसान है, सीधा है कि उनको कोई, उसके अलावा हाँ अज़रबैजान एयरलाइंस तो डायरेक्ट आती है ना, उसके अलावा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। पाकिस्तान से यूई के थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाती हैं और कतर से एयरवेज़ आती जाती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। और हाँ, ये आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी ना इजीली मिल जाती हैं तो वो इतना बड़ा मसला नहीं। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में भी याद रखें कि अगर आप जिस मुल्क की एयरलाइन है उसके थ्रू जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आपने यूई से आना है, तो आप अगर इत्तेहाद एयरवेज से आओगे ना तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा या कोई वीज़ा नहीं चाहिए। आप लैंड करोगे वहाँ ही आपको वो दोबारा, अगर आपका 8 घंटे से कम का दौरा नहीं है तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका 8 घंटे से ज़्यादा का दौरा नहीं है तो फिर आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होगा, वो भी इत्तेहाद एयरवेज़ वाले प्रोवाइड कर देते हैं। उसका छोटा सा प्रोसेस है, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इस तरह आपने कतर से आना है तो कतर एयरवेज़ में 24 घंटे तक अगर आपने आपका ट्रांज़िट टाइम है तो उसके लिए भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और कतर में वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए, उसके अलावा उसका 7500 रुपये का वीज़ा मिलता है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, बैक टू आर वीडियो। आपने टिकट्स करवा लिए, वीज़ा ले लिया, अब तीसरी चीज़ है होटल रिज़र्वेशन। अच्छा, याद रखें यहाँ पे जो होटल्स है ना उसका बड़ा एक अजीब सा मामला है कि आप booking.com से देखिएगा, क्योंकि जो होटल जो आपको booking.com पे तकरीबन 7000-8000 पर नाइट पे मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर आकर लोगे ना तो आपको 14000-15000 पर नाइट पे मिलेंगे। तो मेरी बेस्ट आपको एडवाइस ये है कि आप booking.com से अपना होटल बुक करें और फिर यहाँ पर आएँ। और वैसे भी आपको एयरपोर्ट पे रिज़र्वेशन दिखानी पड़ती है तो आप booking.com से, आप एडवांस में पेमेंट मत करें। जो होटल्स एक्सेप्ट करते हैं नो प्री पेमेंट नो क्रेडिट कार्ड्स, उनके ऊपर आप कर लें बुक और यहाँ आकर होटल देखकर आप कर लें। अच्छा, होटल कहाँ पे लें, इसके ऊपर 2 सजेशंस हैं। नॉर्मली जो यहाँ होटल्स हैं ना वो थोड़े दूर बने, यानी अगर आप कैस्पियन सी से हिसाब लगाओ ना तो कैस्पियन सी से पीछे बने हुए हैं। मेन यहाँ पर जो लोग जहाँ पर लेते हैं वो निज़ामी स्ट्रीट है। निज़ामी स्ट्रीट के आसपास लोग होटल लेते हैं, वो भी आप ले सकते हो, वो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर हो ना, जैसे मैंने लिया था, वो मैंने लिया था कुर्बान एवेन्यू पे। कुर्बान एवेन्यू बिल्कुल समुंदर के साथ ना, जहाँ पे बाकू आई है
उसके बिल्कुल सामने है। तो मेरे होटल से मैक्सिमम 5 मिनट लगते थे निकल के, तो सीधा समंदर कैस्पियन सी के ऊपर, और तकरीबन 30 मिनट पैदल लगे मुझे यहाँ पे। मैं निज़ामी स्ट्रीट में, ये देखें मेरे पीछे फाउंटेन स्क्वायर है, मैं निज़ामी स्ट्रीट में बैठा हूँ, तो यहाँ पे मुझे भी 30 मिनट लगे, मैं वहाँ से पैदल आया हूँ। तो मेरे ख्याल से वो जहाँ पे मैंने होटल लिया था वो बेस्ट जगह है, बीइंग द रीज़न कि वहाँ पे एक तो खाने पीने के बड़े सस्ते रेस्टोरेंट है, मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट था कुरैम, वहाँ से मैंने खाना खाया था, वो बड़ा मुनासिब खाना है। उसके अलावा यहाँ डोनर मिलते हैं, वो हमारे शवारमा की तरह होता है, या आप कह लो बर्गर की तरह, स्ट्रीट बर्गर की तरह। तो स्ट्रीट बर्गर मिलता है, वो आपको 2.5 से लेके 3-4 मन्हा तक मिल जाता है। एक मन्हात 163 रुपये का है, तो वो आपको लगभग 500 रुपये का ना एक वक्त का यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप एक डोनर भी खाओ तो आपका एक वक्त की भूख जो है वो 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए आपका गुजारा हो जाता है। तो ये होटल के लिए आप या वहाँ ले सकते हो, यहाँ पे फिर आप अगर ज़्यादा पैसे हैं तो यहाँ आप निज़ामी स्ट्रीट के करीब भी ले सकते हो। तो होटल यहाँ पे अच्छे से अच्छा, जब जिस होटल में मैं रह रहा था वो 4 स्टार था और इंतहाई कम्फर्टेबल सारी चीज़ें वहाँ पर थीं, और मुझे जो उसका पर नाइट पड़ा था वो जो भी मैं आज दे कर आया हूँ वो देकर आया हूँ 53 मन्हात, विच इज़ इक्वलेंट टू लगभग 7-8 हज़ार या 9 हज़ार बनता होगा, इतने पाकिस्तानी रुपए। तो होटल यहाँ पे चीप है, आप अगर ढूंढना चाहो तो वहाँ पे ढूंढ सकते हो उस साइड पे। उसके अलावा कोशिश करें, अच्छा यहाँ पे एक बड़ा मसला जो मुझे किसी ने नहीं बताया था, किसी वीडियो में कवर नहीं होता, ये जगह जो है ना, ये बाकू ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के ऊपर ना इन्होंने इस तरह से, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह मार्बल लगा कर ना, टाइल्स लगा के, तो उन्होंने इलाका है बनाया हुआ, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। तो कोशिश करें कि आपका जितना समंदर के करीब हो ना होटल, वो बेहतर है। अच्छा यहाँ पे ओल्ड सिटी में होटल मिल जाते हैं सस्ते, हॉस्टल्स मिल जाते हैं, होटल मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। अच्छा हॉस्टल्स भी यहाँ पे हैं, यहाँ बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट के ये निज़ामी स्ट्रीट है, इसके बैक साइड पर एक साहिल हॉस्टल है, मैं एक रात वहाँ पर भी रहा था इससे पिछली रात, तो वो इंतहाई सस्ता, वो 15 मन्हात में ना एक रात के लिए आपको होटल दे देते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि वो आपने देखा होगा ना डॉम के बेड, जो ऊपर तले बेड बने होते हैं शेयर्ड रूम्स, उसके अंदर शायद 10 बेड लगे हुए थे, तो उसके अंदर एक बेड मुझे 15 मन्हात का पर नाइट का मिल गया था। अगर वो अगर मैं आठ बेड वाले में शिफ्ट होता तो वो 17 मन्हात का मिलना था। तो वो भी अगर आप एज अ बैचलर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, वो यहाँ पर बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट से 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वो बहुत बेस्ट है, वहाँ नेट भी है, सब कुछ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ अगर आपने बैचलर्स आना तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं, या अगर आप थोड़ी लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर होटल भी ले सकते हैं, अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं या थोड़ा आराम से अपने हिसाब से चलना है तो कर सकते हैं। अच्छा ये बात थी। अच्छा तीसरी चीज़ है कि यहाँ टूर्स कैसे करने हैं। टूर्स का यहाँ पर देखें ये सीन है कि जैसे आप जैसे ही निकलेंगे ना होटल से बाहर निकलेंगे, निज़ामी स्ट्रीट पे आते हैं, या आप ओल्ड सिटी में चले जाते हैं, या कहीं और ऐसी जगह जो इनकी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कोई ऐसी देखने वाली जगह बनी हुई है, एक्सेप्ट म्यूज़ियम्स में अलाउ नहीं है, म्यूज़ियम्स के अलावा जो जैसे ओल्ड सिटी है या निज़ामी जो पब्लिक जगह है या कोई मॉल है बाहर, तो वहाँ आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई जो है वो टूरिज़म कंपनी वाला बंदा आपको मिल जाएगा, वो आप खुद ही पकड़ पकड़ के ना दे रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में नहीं होते भीख मांगने वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह ये यहाँ पे लोग हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं अपने ब्रोशर्स लेकर कि भाई ये हमारा ब्रोशर है, आपने अगर ट्रैवल करना है तो यहाँ पे करना। अच्छा यहाँ पे 120 मन्हात ऑन एवरेज सब लोग चार्ज करते हैं एक बंदे का, और वो आपको बाकू से लेके गबाला ले जाते हैं। गबाला इज़ लाइक अ नॉर्दर्न एरिया, वो टॉप पर वो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल हाइक है, मैं इंशाल्लाह उसकी एक डालूंगा, आई थिंक सो मैंने वहाँ पे एक व्लॉग वीडियोज़ छोटी छोटी शूट की थी, वो मैं ऐसा ऐसा डाल दूँगा, आप लोग देखिएगा वो कैसा लैंडस्केप है। तो आप गबाला आपको ले जाता है, गबाला जाने में वो आपको एक तो आपको यहाँ से ले कर सुबह होटल से उठाएंगे, उसके अलावा दिन का लंच देते हैं, और उसके अलावा गबाला ले जाते हैं, गबाला में जाके केबल कार है, दो वहाँ पे बेसिकली ना हिल स्टेशन हैं, एक लाइक इस तरह ऊपर जा रहा है और एक इस तरह साइड पे जा रहा है, तो वहाँ दोनों पे ना केबल कार है, जिस तरह चेयर लिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, तो वो केबल कार है, तो वो केबल कार भी वो आपको उसका टिकट भी जो है वो यहाँ पे टूरिज़म कंपनियाँ देती हैं। यहाँ पे जो मशहूर हैं वो SAT नाम की कंपनी है, वो है मशहूर जो है, दूसरा ट्रिप एडवाइज़र है, ट्रिप एडवाइज़र जो मशहूर व्लॉगिंग वेबसाइट है, ट्रिप वेबसाइट है, तो वो ट्रिप एडवाइज़र भी ऑफिशियली यहाँ पे वो प्रोवाइड करती है, तो उन दोनों से आप ले सकते हो 120 मन्हात पर हेड लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखने वाली जगह फायर टेम्पल है, वो देखने वाला है, एक फायर माउंटेन है, मैं उसको रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ जाके वो एक तो शहर से दूर है, किराया भी अच्छा खासा लग जाता है, दूसरा वहाँ देखने वाला कुछ नहीं, आग लगी हुई है पहाड़ पर, वो बस
देखने में, कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फायर टेंपल अच्छी चीज़ है, वहाँ हिस्टोरिक काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप सीखेंगे। उसके अलावा हैदर अली अलीव सेंटर है यहाँ पे, उसके अंदर मैंने उसकी वीडियोज़ भी बनाई है, मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा। उसके ऊपर वो म्यूज़ियम बना हुआ है इनका, वो बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। उसके अंदर आपको ट्रेडिशनल आर्ट वर्क मिलेगा, उसके अलावा वहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कारपेट्स हैं, उसके अलावा और बहुत उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इंशाल्लाह सब की वीडियोस डाल दूँगा। अच्छा, वो उसका टिकट 15 मनात का है, वो उधर जाना चाहिए, वो हाईली रिकमेंडेड है। उसके अलावा उसके बेसमेंट में कार म्यूज़ियम है, जहाँ पे दुनिया की जदीद और पुरानी कार्स हैं, बेसिकली सारी जो शुरू शुरू में कार्स आई थी ना, जो मशहूर कार्स थी, वो है सारी। तो वहाँ भी जाना चाहिए, उसका 10 मनात का टिकट है। तो अगर आप 25 मनात उनको देते हैं तो वो आपको म्यूज़ियम का भी और नीचे जो उनका सेंटर है उसका भी आपको दे देंगे। तो ये दो जगहें जो हैं वो देखने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ अजरबैजान कारपेट म्यूज़ियम है, ये बिल्कुल बुलेवर्ड पे है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि जो कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी के साथ इन्होंने 26 किलोमीटर का एक बुलेवर्ड बनाया हुआ है। बुलेवर्ड इज़ लाइक अ वॉकिंग एरिया, से वॉकिंग एरिया ना, यहाँ पर वॉकिंग एरिया, इस तरह का इन्होंने ना एक वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है। उस वॉकिंग एरिया के ऊपर मैक्सिमम इसकी जो है वो चीज़ें हैं। अब ये निज़ामी स्ट्रीट है, ये भी उसके बिल्कुल शायद 10 मिनट अंदर करके, गली के अंदर आपने आना, सामने रोड पे 10 मिनट अंदर ये निज़ामी स्ट्रीट है। ये फाउंटेन स्केयर पे मैं बैठा हूँ, फाउंटेन स्केयर के साथ निज़ामी स्ट्रीट है। और उसके साथ साथ कारपेट म्यूज़ियम है, डेनीज़ मॉल है साथ बिल्कुल, ये पीछे इस साइड पर ये ओल्ड सिटी है, यहाँ आपको ओल्ड सिटी नज़र आएगी, ये ओल्ड सिटी है। उसके अलावा ओल्ड सिटी भी यहाँ पर है। और हाँ, जितनी मेन चीज़ बाकू आई यहाँ पे है, डेनीज़ मॉल है, ओल्ड सिटी है, मिनी वीनस है जो एक अच्छी जगह देखने के लिए, वो वीनस टाइप उन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर आप। तो ये सारी जगह जो है वो मेन इसके पास है। तो कोशिश करेंगे कैस्पियन सी के आसपास कहीं पे ले लें आप, और जो मैंने आपको जगह बताई अगर वहाँ ले लें तो सस्ता भी मिलेगा और बड़ी आइडियल लोकेशन पर है। इसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए एक हाईलैंड पार्क है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली आप प्लान कर लेंगे आके। अच्छा, कितने दिन के लिए आना चाहिए, ये एक सवाल है। अगर आप खुद आ रहे हैं ना, जैसे मैं खुद आया हूँ, तो आपको 4 दिन के लिए कम से कम आना चाहिए, 4 दिन इज़ मोर देन इनफ। अगर आप टूरिज़म कंपनीज वालों के साथ 4 या 5 दिन, और अगर आप टूरिज़म वालों के साथ आ रहे हैं किसी पैकेज के अंदर आ रहे हैं, तो 4 दिन इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि वो उनके पास ये होता है कि वो एक ही गाड़ी होती है, उसके अंदर आपको सारा घुमा देते हैं। हम लोग चूँकि खुद आए थे तो हम अपनी पेस के ऊपर हमने तसल्ली से एक एक चीज़ देखी है, तो आराम से घूम फिर के, और हमारा ख़र्चा भी कम हुआ है। ख़र्चे में बाद में आता हूँ। तो आप अगर टूरिज़म कंपनी वालों के साथ आते हैं तो वो आपको बस में लेके जाते हैं सारा, उनके साथ एक प्रोफेशनल गाइड होता है, अच्छे होटल होते हैं, वो आपको 4-5 नाइट्स का पाकिस्तान से 2.5 से 3 लाख के दरमियान जो है वो आपको पैकेज पड़ जाता है। अगर आप खुद आना चाहते हैं तो 2900 सस्ता है। 2900 सस्ता से मुराद ये कि आपको तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी के टिकट पड़ जाएंगे। मैं मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ आपको मिला के ना, अगर आप कनेक्टिंग से आते हो कतर वगैरह से तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा, शायद आपको मे बी 1.5 के अंदर ही रिटर्न पड़ जाएगा, हाँ उसमें भी इतना ही पड़ जाएगा। और 1.5 से 2.25 लाख मैक्स जो है वो टिकट पड़ जाता है, $26 का आपका वीज़ा आ गया। उसके अलावा यहाँ पर होटल का, अगर आप इनके साथ हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो 15 मनात आपका हॉस्टल का एक बंदे का आ गया, और अगर आप होटल ऑप्ट करते हो तो आपको 2 बंदे हैं तो आप शेड रूम ले लेते हो, 4 से 5 हज़ार आपको पर नाइट रूम का पड़ गया। तो अगर आप 5 दिन के लिए आते हो तो 25 हज़ार होटल का पड़ गया, और टिकट ये मिला के आप समझ लो कि आपका 2 से 2 लाख 10-12 हज़ार ही हो गया। फिर यहाँ पर तकरीबन आपका एक साइड पे अगर आप किसी, क्योंकि ये जो जगह मेन है ना, ये सारी आसपास है, यहाँ पे आपको इतनी टैक्सी की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। आप पैदल अगर घूमना चाहो, अकेले आए हो पैदल घूमो, तो आप आराम से ही कवर कर सकते हो। वैसे अगर आपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना है यहाँ आसपास, तो 3 से 4 मनात लेते हैं, ये आपको इजीली छोड़ देते हैं। तो तकरीबन ये आपका पड़ गया, अगर आप ये सारा ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा मिला लो तो तकरीबन आपका 100 मनात आप ये कर लो, विच इज़ 16,000 रुपीज़। तो आपका तकरीबन 2.25 लाख में आपकी ट्रांसपोर्ट, होटल, वीज़ा और टिकट्स। इसके बाद खाने पर आ गए, खाने पर आप कर लो खाना यहाँ, अगर आप पाकिस्तानी खाना खाते हो तो तकरीबन 15 से 20 मिनट एक टाइम का पड़ता है। और अगर आप, अच्छा बाय द वे, जो मैंने आपको होटल बताए हैं उनमें आपके पास ऑप्शन होता है कि ब्रेकफास्ट वो देंगे या आप खुद करोगे, तो वो कुछ ऐसे होटल जैसे मैं जिसमें मैं रह रहा था वो सस्ता भी था और ब्रेकफास्ट भी दे रहा था और करीब भी था, तो वो आपने अपनी कॉस्ट देख लेनी है। वरना अगर आप 15 से 20 एक टाइम का खा रहे हो तो यहाँ पर नॉर्मली 2 टाइम का ही आप खाओगे, तो उसमें ये कि एक टाइम साथ साथ आप दिन को थोड़ा बहुत डॉनर ले लो,
तकरीबन आप कर लो 25 से 30 या 35 मंडात एक दिन के खाने का। तो अगर आप 4 दिन के लिए रहते हो तो तकरीबन आपका 100-150 मंडात ये हो गया, विच इज़ इक्वल टू अलग अगेन 16 to 20,000, तो 2.25 लाख और 20,000, तो तकरीबन आपका विद इन 2.5 लाख जो है वो आना जाना और बिल्कुल अयाशी वाली यहाँ पे ज़िंदगी आप गुजार सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा अगर आपको टिकट सस्ता पड़ जाता है, यानी जो मैंने 2 लाख बनाया है वो अगर आपको 1.5 लाख का पड़ता है, तो फिर आपको 2 लाख के अंदर इजीली टूर हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर तो आपका बहुत ही बेस्ट हो जाना है, तो आपको 1.5 से 2 लाख के अंदर इजीली ये पूरा टूर जो हो जाना है। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। बाकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ जितनी मैंने वीडियोज़ यहाँ पर बनाई हैं, मैंने उस पर कमेंट्री कहीं कहीं की है, कहीं कहीं नहीं की, बीइंग द रीज़न ताकि आप वो सिनेरियो इन्जॉय करें, मेरी बातों से बोर ना हो। तो इंशाल्लाह मैं सारी वीडियोज़ जो है वो डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। रिमेंबर इन प्रेयर्स।